नमस्कार। कोरोना आज जबरदस्त एक्सट्रीम पर है और अधिकांश लोगों को कोरोना हो चुका है। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। कुछ ने टेस्ट, कुछ को नहीं पता मतलब टेस्ट नहीं कराया था लेकिन बीमारी हुई है ये उसको पता है। क्यों? कई सारे सिम्टम्स जो उसको आए उसके आधार पर उसको पता है, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है और वो है कि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट। कोरोना आया, उसके बाद जो उसके इफेक्ट रह गए, उन इफेक्ट से आज बड़ी तादाद में लोग सफर कर रहे हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं आज का इस सब्जेक्ट बना रहा हूं? कोरोना होने के बाद आपको, आपके परिचित को, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को कोरोना के बाद कुछ भी इफेक्ट्स हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है और आप इसको लास्ट तक वॉच करना। जो इसमें चीजें बताई उनको बहुत बारीकी से ध्यान से देखना, क्योंकि वह मेरे अपने जीवन का खुद का प्रैक्टिकल है। मैं खुद कैसे कोरोना से बाहर निकला और फिर जो मुझे सफर किया और मैंने जो प्रयोग किए वो प्रैक्टिकल चीज आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। कोरोना जब आता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। पहले आता था बुखार आता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन हो जाती है और ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। इसके बाद कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि नहीं, हमको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को कोई सांस की तकलीफ नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, हमको कोई बुखार नहीं है, लेकिन हमारा टेस्ट चला गया, हमें स्वाद नहीं आ रहा हम क्या खा रहे हैं, स्मेल नहीं आ रहा हम क्या खा रहे हैं। तो किसी को पार्शल आ गया, किसी को फुल आ गया, स्मेल चली गई, स्वाद चला गया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमको कोई स्वाद नहीं गया, हमें तो ठीक है। जो टेस्ट किया है डॉक्टर्स ने, उन्होंने कह दिया तुम कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन उसको कोई बुखार नहीं है, कोई स्वाद नहीं गया है, कोई उसको कंजेशन नहीं है, स्मेल भी है, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव है और घर में बैठे। लेकिन एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन आई और वो है डाइजेशन की प्रॉब्लम। क्योंकि कोरोना से होते समय या कोरोना से पहले जो चीजें खाई हैं, जबरदस्त कॉर्नल पिए है, काढ़ा पिए है, गर्म पानी पिए, उस सब से पी के जो हालत खराब कर लिए, डाइजेशन खराब हो गया है। तो पाचन कैसे ठीक करें, भूख आपकी अब मारी गई है, उस भूख को कैसे ठीक करें, यह तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। और क्योंकि मैं ऐसे कंटिन्यू तीन तरीके बताने वाला हूं आगे आगे, एक आपको दिखा रहा हूं अभी प्रैक्टिकल कैसे किया, डाइजेशन कैसे अच्छा करें, भूख कैसे अच्छी करें, साइड इफेक्ट कैसे निकालें, ये मैं जो बता रहा हूं, तो आप लास्ट तक देखिए, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको पूरा प्रॉपर ऑब्जर्व करिए और खुद होकर उसका प्रयोग भी करिए। तो भूख लगने के लिए जो आपको जबरदस्त प्रयोग बता रहा हूं वो है नींबू को किस प्रकार से गर्म करके उसे चाटें कि हमारा एसिडिक अम्ल, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारा जो पाचक रस है जो हमारे भूख लगाने का काम करता है, वो अच्छा बनना शुरू हो जाए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं उसको तैयार करने की एक विधि। सबसे पहले हम लेंगे नींबू। ऐसा एक नींबू लेकर उस नींबू को चाकू से ऐसे दो पार्ट ऐसे कर दें। ये चाकू से हमने नींबू के दो पार्ट बना दिए। अभी एक पार्ट पर ये जो हल्के हल्के इसमें बीज हैं, ये बीज हम चाकू की सहायता से बाहर निकाल देंगे। ये हमने बाहर निकाल दिए और ये यहाँ गड्ढा हो गया। अब ये जो जगह है जहाँ ये जगह खाली है, इस जगह पर हम काले नमक का उपयोग करेंगे। काला नमक, ये काला नमक है, इस काले नमक का इस तरह से उपयोग करेंगे। हमने ऐसे देखिए और पास में दिखाइए, थोड़ा थोड़ा काला नमक इसमें हमने सब तरफ डाल लिया और ये पूरे इस पर आ गया। इसके बाद इस चाकू से हल्का हल्का यहां ऐसा हमने इसको गोद दिया जिससे कि पूरा जो रस है वो अंदर प्रॉपर चला जाए। इसमें हींग भी डाल सकते हैं, अगर हींग डालते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार नमक का ढक्कन बंद और आंच पर, गैस की आंच पर, क्योंकि ऐसे तो ये अच्छा होता है
अगर हम वो करते हैं चूल्हे में होता है तो और भी अच्छा है, उपले पे रख सकते हैं, लेकिन अगर उपला नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस प्रकार की आंच पर, चूल्हे की आंच पर जो हमारा वो है उसको ऐसे हमने चलाया, और चलाने के बाद मंद आंच पर बहुत सिम बहुत कम में ऐसे हमने ये मैंने आपकी सहायता के लिए रख दिया चिमटा, बहुत सावधानी पूर्वक चिमटा रखना है, और चिमटा रखकर ये जो नींबू है इसको यहाँ हम आराम से ऐसे रखते हैं। ध्यान रखना नींबू पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसे रखा तो हाथ आपका जल सकता है, ऐसे नींबू को आराम से रखते हैं। अब इसे और सिम कर दें, बहुत मंदा कर दें। अभी इसको ऐसा रखने के बाद धीरे 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 ये अब देखिए पास में बॉयल करना है, तो ये बॉयल हो रहा है, धीरे धीरे बॉयल हो रहा है, सब प्रकार से बॉयल हो रहा है, ये ध्यान रखना बिल्कुल बहुत पास से दिखाना है। अभी क्या है इसमें धीरे धीरे इसका रस गिरेगा, जब ये उबलेगा तो इसका रस एकदम गिरेगा, इस गिरने के कारण ही इसमें हल्की हल्की आ रही है। अब क्या है यहां से हम थोड़ा सा घुमा देंगे इसको, ठीक है ऐसे घुमा दिया और फिर हमने रख दिया जिससे कि प्रॉपर गर्म हो जाए, सब प्रकार से उसका सिक जाए। अब ये जो आप देख रहे हैं आग जो थोड़ा तेजी से है उसका मतलब है कि जो अंदर से इसका रस बाहर निकल रहा है, जो रस गिर रहा है वो गिरने के कारण से फिर हमने हल्का सा इसको घुमा दिया, घुमा इसलिए रहे हैं जिससे कि सब तरफ से नींबू गर्म हो और पके, ठीक से नींबू गर्म हो और पके, ये जो आग में जो आसपास आग जल रही है नींबू का रस जो गिर रहा है उसके कारण से ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे गर्म होने दें, नीचे से जब इसका ये पार्ट है वो हल्का सा डार्क होना शुरू हो जाएगा, ऐसा अच्छा गर्म हो जाएगा, ये पूरा प्रॉपर गर्म होने पर ये आप देख रहे हैं ये गर्म हो रहा है, सब तरफ से गर्म हो रहा है, बहुत सिम है लेकिन इसकी क्योंकि जो नींबू के छींटे गिर रहे हैं इसके कारण से आसपास वो आग उसको पकड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे देखेंगे हम कि नींबू सब तरफ से ये गर्म होता जा रहा है, ये गर्म होता जा रहा है, देखो रस हल्का निकल रहा है, तो अभी और गर्म करेंगे क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है ना, जो नीचे है इस नींबू का जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट भी जलना जैसा थोड़ा सा चाहिए, मतलब अच्छा गर्म चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए अच्छा गर्म चाहिए। चिमटे को बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ना है क्योंकि अगर चिमटा गर्म है तो आपके हाथ को जला सकता है। तेज आंच से नहीं करना है इसको गर्म, इसका ध्यान रखना है, तेज आंच से इसको गर्म नहीं करना है। धीरे धीरे इसको ऐसे गर्म होने दें, और ये देखिए अब नींबू अच्छी प्रकार से मतलब उबल रहा है, अंदर से उबल रहा है, ये नींबू अंदर से उबलना चाहिए, जितना उबलेगा अंदर से उतना अच्छा पकेगा, उतना अच्छा पकेगा। और अब ये देखिए नींबू लगभग आपका तैयार हो गया है, इसके रस टपक रहा है अच्छा अंदर, अब ये हो गया, अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद, और ये नींबू हल्का सा धीरे से इससे उतार कर हम प्लेट में रख लेंगे, प्लेट में रख लिया हमने नींबू। अब ये जो नींबू है अब आप इधर देखेंगे तो ये इस तरह से ये गर्म हो गया है पूरा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं ज्यादा जला है कहीं कम है, लेकिन अंदर अब ये नींबू रेडी है, रेडी फॉर यूज। कैसे खाना है इसको ये भी मैं बताता हूं। तो ये जो नींबू बना है आपको खाना खाने से पहले खाना है, दोपहर को खाना खा रहे हैं रात को खाना खा रहे हैं तो आधा नींबू लीजिए और धीरे धीरे इस तरह से चाटिए, बहुत स्वाद लगता है, बहुत स्वाद लगता है, पर गर्म होता है ना, बाहर वाला ज्यादा गर्म है अंदर कम है। मैं आपको बताता हूं क्योंकि जब मुझे अभी पीछे कंटिन्यू फीवर हुआ ना उससे मेरी भूख कम हो गई थी, मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाता था, केवल जूस पी लिया, इसके बाद भूख नहीं लगती थी। दो दिन मैंने ये प्रयोग किया, दो दिन चाटना है इसको ऐसे चाटना है, दो दिन प्रयोग किया और मेरा हालत ये हो गई, दोपहर को खा रहा हूं शाम को खा रहा हूं जबरदस्त भूख लग रही है। और जो मेरा बेटा है अनंत उसने भी आओ दिखना
उसने भी ऐसे ही नींबू चाटा था, ये थोड़ा चटाऊंगा, ये ऐसे ही, ये नहीं चटाऊंगा, ये भी खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये नींबू जैसे हमने चाटना शुरू किया, पूरा इसको 2 से 5 मिनट लगाने, उसके 10 मिनट बाद आप खाना खाइए और आप देखिए मजा आ जाएगा एकदम। तो ये पहला प्रयोग मैंने आपको बताया, भूख को जगाने वाला, भूख आपके जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, ये मैंने आपको पहला प्रयोग बताया। थेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।